यार वैसे तो रोज ही सुबह होती है, साल के 365 दिन, पर कुछ दिन की सुबह एक सुबह नहीं होती, वो होती है एक एक्सपीरियंस, एक कभी ना भूलने वाली मॉर्निंग। और आज तो दिन भी धमाकेदार होने वाला है। उसी का रूम जहाँ मैंने स्टे किया है, पूरा सामान बिखरा हुआ है, वो रखा है अपना हेलमेट, और वो रखी हुई ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है, ड्रोन की फुटेज आपने देखनी होगी मॉर्निंग वाली, और ये रखा अपना ड्रोन, साथ में किचन है जिसमें मैंने खाली पानी गर्म किया है, और ये देखो व्यूज फ्रॉम विंडो, खाना बनाते बनाते बेहतरीन नज़ारे हैं, इन केस अगर बनाना हो तो। बाहर दिखाता हूँ आपको मैं, ये है कॉरिडोर आगे खाने के लिए, डाइनिंग एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में, अभी करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बाइक, ये देखो ऑरेंजेस। तो ये है अपनी ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर एक्स ग्रीन बीस्ट, अमेजिंग मशीन यार, बहुत ही बढ़िया साथ दिया कल इस मशीन ने, वहाँ का मुर्गा जो है बांगे मार रहा है, ऊपर देखो पूरा जंगल है ये, और स्टार्ट करते हैं इसको यार। ये जो ओनर है हम लोग घर है नीचे, और नीचे जो है पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है नीचे, और यहाँ ऊपर पूरा जंगल है। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोरा गदोली विलेज। ये जो गांव है ना, ये अल्मोरा टाउन से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर आगे है, और यहाँ से बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 15 किलोमीटर है। मैंने यहाँ नाइट पे स्टे किया था, पहले आप यहाँ से व्यूज़ देखो, स्नो कैप माउंटेंस, ऑसम व्यूज यार, ज़बरदस्त व्यू है। और ये है पीछे होम स्टे, आधी होम स्टे जो मैंने आपको दिखाया पहले, यहाँ मैंने स्टे किया है, और ना बाई चांस मैं यहाँ पहुँच गया। मेरा प्लान ये था कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ना आसपास स्टे करना है, क्योंकि ना बिनसर सेंचुरी के अंदर काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हैं, मतलब रिजॉर्ट्स हैं वो 5-7 हज़ार वाले, और मुझे इतना एक्सपेंसिव स्टे नहीं करना था, और मुझे यहाँ पर रास्ते में होम स्टे दिख गया, एंड अमेजिंग प्रॉपर्टी है, आपको दिखाई है मैंने। तो पहले चलते हैं ऊपर टेरेस में, मैं आपको दिखाता हूँ स्नो कैप माउंटेंस, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। ये आ गया मैं टेरेस पे, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो ये देखो लेफ्ट वाली जो है वो है त्रिशूल पीक, उसके बाद है नेक्स्ट राइट में सेंटर पे जो हो गई वो है आपकी नंदा देवी, और उसके राइट में जो है एकदम राइट मोस्ट जो है वो है आपके पिंडारी ग्लेशियर्स। अमेजिंग स्टनिंग व्यूज आ रहा है, पूरे स्नो कैप माउंटेन्स हैं सामने, और अभी जैसे विंटर्स बढ़ेंगी ना, स्नोफॉल और ज़्यादा होगी, तो ये स्नो कैप माउंटेन्स हैं ये और एकदम वाइट हो जाएंगे, तो मतलब और ज़्यादा ना वाइट सा दिखेगा और अमेजिंग व्यू आएगा। भांग की चटनी का आनंद लीजिए। भांग की चटनी सर घूमेगा इससे? ना ना ऐसा कुछ नहीं, उसके सीट का हम पीस के बनाते हैं, ये थोड़ा गर्मी पैदा करता है, अच्छा, इसलिए जाड़ों में स्पेशली हर सब्जी में डाला जाता है। भांग की चटनी है ये? हाँ, भांग के जो बीज होते हैं ना, भांग के बीज, अच्छा, बीज होते हैं, हाँ। उसे हल्का रोस्ट करके फिर सिलबट्टे में पीस के, अच्छा, ये बनता है। ये मतलब सर्दियों के लिए होता है ये? हाँ, विंटर्स के लिए। हाँ, अच्छा, मैंने कभी ट्राई किया नहीं, फर्स्ट टाइम करता हूँ। भांग के बीज की चटनी, ऑसम व्यूज, जबरदस्त। मनोज जी थोड़ा घी होगा देना, तो नहीं यहाँ के घी का ना टेस्ट अलग ही है। भांग की चटनी का टेस्ट जो है ना, मतलब वो मेरे लिए डिस्क्राइब करना मुश्किल है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ वीडियो में। अभी पुदीना धनिया तो है ही, बट कुछ अलग से टेस्ट है, बट ठीक है, अच्छी है, डिफरेंट है।
चलो जी चलते हैं विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोड़ी ठंड सी हो रही है तो अपन ने ये ग्लव्स पहन लिए विंटर वाले। पूरे स्वाद आ रहे हैं, पूरे स्वाद। 41 मिनट्स 16 किलोमीटर। श्री गणेश करते हैं। अपना एक बैग ले लिया मैंने, टेल बैग जो है अंदर रूम के अंदर ही है। सेम रूट आने का, यहीं से निकलेंगे। बड़ा सीनिक रूट है, सेंचुरी होके आते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से वापस। हवा ठंडी है भैया। अरे अरे अरे, क्या कर रही है बकरी? सामने देखो, ऑसम व्यूज यार। उत्तराखंड की ना खास बात है, ये जो रास्ते है ना, है तो जब ट्विस्टी ज्यादा है यहाँ पर, लेफ्ट राइट, लेकिन मजा आता है। जंगल के अंदर छोटी रोड्स हैं, इसी का मजा आता है यार। वो हाईवे पे मजा नहीं आता राइट करने का। यही है स्वाद राइडिंग के। ये देखो क्या बात है। और यहाँ पर भाई साहब लोकल भी सोचते हैं रात को अकेले निकलने से पहले, मतलब 9-10 के बाद। तेंदुए वेंदे काफी घूमते हैं यहाँ पर। और कल मुझे बता रहे थे यहाँ के ओनर कि यहाँ नीचे एक कोई तेंदुआ है, वो सुबह 4 बजे रोता है। मतलब रोता नहीं, मतलब गुराता है, रोता नहीं है। और 3-4 दिन से हो रहा था, पता नहीं कल रात को हुआ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हो रहा था ऐसा। Man, goosebump riding on these roads. 15-20 दिन बाद याद थी दिसंबर में, या आई थिंक फेब में ना, फेब में ज़्यादा ये स्नो का माउंटेन अच्छे दिखेंगे, क्योंकि पूरी स्नोफॉल हो चुकी होगी ना सामने ग्लेशियर्स पे। और सारी जो पीक्स हैं वो और भी अमेजिंग लगेगी फॉर श्योर। ये देखो जबरदस्त। और पता है कल जब मैं आया ना यहाँ पर, तो मुझे क्लियर था कि मुझे सेंचुरी से बाहर रुकना है, और बट मुझे ये क्लियर था नहीं, मतलब शॉर्ट ही नहीं थी कि कैसा मिलेगा मुझे यहाँ होम स्टे। बट ये था, हाँ मिल जाएगा कुछ ना कुछ होम स्टे होटल टाइप मिल जाएगा। एंड कई बार ना मतलब आपके सितारे जो है गर्दिश में होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी मिली है मुझे। छोटा सा होम स्टे है, 2-3 रूम ही है यहाँ पर, बट प्रॉपर घर का खाना। मुझे ना काइंड ऑफ ना अपना पहाड़ों में जाके ना होटल में रहने का क्रेज ख़त्म हो गया। कोई अच्छा होम स्टे मिल जाए ना, जैसे यहाँ रुके हैं, या फिर मैं रुका था पादू में रुका था, अमेजिंग स्टे यार। अलग ही फील आती है। सिरकोट आ गया, ये सिरकोट यहाँ पर है ऊपर, छोटे मोटे काइंड ऑफ रिजॉर्ट्स, होटल, होम स्टेज वगैरह। होम स्टेज नहीं है, रिजॉर्ट नहीं है यहाँ पर। कितना कुछ है यार हमारे देश में, कितना कुछ है यार देखने के लिए। मतलब हम बाहर जाते हैं मतलब घूमने के लिए, फॉरेनर्स यहाँ के अमेज्ड होते हैं। अब देखो ये चोटी जो है, पीक्स मेरे लेफ्ट में आ गई है। द माउंटेन होम स्टे रूम अवेलेबल। बढ़िया लोकेशन है यार। हम अल्मोड़ा आए थे लास्ट टाइम, हमें पता ही नहीं था कि अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर आ गए। अलग ही दुनिया है। और ना होम स्टे का कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है उत्तराखंड में, खासकर हिमाचल में भी है, लद्दाख में तो खैर है ही। और होम स्टेज आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, क्योंकि रीज़न बीइंग कि होम स्टे जो होते हैं ना नॉर्मली, जैसे उत्तराखंड की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो आपको बिजली मिलती है होम स्टेज में, वो डोमेस्टिक मिलती है, डोमेस्टिक रेट्स पे मिलती है। जो आपको गैस मिलती है वो डोमेस्टिक रेट्स पे मिलती है, तो आपको कुछ कॉमर्शियल काइंड ऑफ टैक्स लगता नहीं है, तो मतलब काइंड ऑफ सस्ता पड़ता है, और एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है उनकी, और एक होमली वाला मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए आपको होम स्टे सस्ते भी पड़ते हैं और मज़ा भी आता है। मतलब मुझे तो आता है मज़ा भाई। आप बताओ, आपको होम स्टे से मज़ा आता है पहाड़ों में, या फिर मतलब होटल्स में मज़ा आता है? अपनी अपनी चॉइस है यार, दोनों ही सही है। विंसर इधर ही है ना? हाँ जी, गेट तक जाना है आपको, आओ बैठ जाओ। हाँ बाइक ऊँची है। आपका गांव अंदर वन है तो जल है, जल है तो जीवन है। ट्रू।
ट्रम्प बाइक चेक करो प्राइस कितना है, क्या लेकर क्या है। लोग काफी क्रेजी हो रहे हैं बाइक को देख के। 200 रुपए है ना, तो यहाँ से कितनी आगे है? 10 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी जाएगी। अच्छा, उससे आगे जाना। अच्छा अच्छा, फिर 10 किलोमीटर जाके गाड़ी रुकती है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर 0.1 किलो तक ट्रैवल करना होता है। अच्छा, बाइक के लिए सेफ नहीं है क्या? मतलब नैरो इसलिए है? अरे रोड खराब है। अच्छा अच्छा, चलो जी अपनी एंट्री हो गई है, पास बन गया अपना, ये रहा पास, चलते अंदर। अब ये दिखा रहा है 7 किलोमीटर, एक्चुअल में है 10 किलोमीटर, जितना भी है की फर्क पैंदा है, जाना तो है ही। वेलकम टू बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एकदम कतई स्टीप जो है हाइट स्टार्ट हो गई है, और रोड थोड़ी मतलब बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जैसे ना तार को डाल दी है, बट उसको बिठाने के लिए रोड रोलर जो है चलानी है, पर रोड रोलर जवान ही टेढ़ी हो जाती है मेरी तो। और हम अच्छी खासी हाइट पे जा रहे हैं भैया, ये बात, अब हम आ गए भाई साहब पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रॉपर वाली। भाई बोल रहा था रास्ता खराब है, थोड़ा आराम से जाना, तो मैंने थोड़ा सा शो ऑफ कर दिया कि हम तो लद्दाख होके आए हैं। कभी कभी तो थोड़ा सा तो शो ऑफ बनता ही है यार। जस्ट जोकिंग। रास्ता वाकई खराब है भैया, ये बीच पे ना थोड़ी ये पत्ते वत्ते कुछ गिरे हुए हैं सूखे हुए, उस पे बाइक थोड़ी स्किड कर रही है। साइड में ये ना ब्राउन वाले पत्ते, ये सेंटर में भी जो दिख रहे हैं। अरे भैया आराम से आराम से, कंफ्यूजिंग सा हो गया था वो। रोड पूरी खराब है, बाइक अमेजिंग परफॉर्म कर रही है यार, मतलब ऐसे स्ट्रेच पे तो अगर आने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लच, ब्रेकिंग, मतलब एकदम शार्प ब्रेक नहीं चाहिए मुझे ऐसे स्ट्रेच पे, किसी को भी नहीं चाहिए, तो सब कुछ बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बर्ड वॉचिंग ट्रेल, ट्रेल्स काफी हैं यहाँ पर यार, ग्रुप में है तो बंदा ट्रेल्स में जा सकता है। बहुत सारी ट्रेल्स बनी हुई हैं बर्ड वॉचिंग ट्रेल ना, कितनी हाइट पे आ गए हम। ओहो, एकदम प्रॉपर अब आया है जंगल वाली फीलिंग, दिन के टाइम में तो अंधेरा हो गया। बढ़िया ड्राइव है यार,
जैसे मुझे दिख रही है ना वैसे फील नहीं हो रही, मतलब जितने ज्यादा खड्डे हैं उतने ज्यादा फील नहीं हो रहा है। ओ वाकई खराब है भैया। काफी खराब है, थोड़ा सा आपको स्किल होना चाहिए यहाँ आने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ हम कितनी हाइट पे आ गए हैं, मतलब जो ये पहाड़ हैं सारी माउंटेन रेंज जो है ऑलमोस्ट नीचे आ गई है हमसे। ऑलमोस्ट नीचे है पहाड़, अभी ऊपर जा रहे हैं और जीपीएस दिखा रहा है कि हम पहुंच गए पिंसर, बट यहां से अभी 4 किलोमीटर और आगे और उसके बाद 2 किलोमीटर का ट्रैक है। मुझे आइडिया था नहीं कि रोड इतनी खराब है, अदरवाइज मैं राइडिंग जैकेट पहन के आता और नई गार्ड भी पहन के आता। मैं पास में ही है, होके आ जाएंगे। एकदम प्रॉपर डेंस अंधेरा है यहाँ, मतलब रोशनी भी नहीं आ पा रही यहाँ, प्रॉपर डीप जंगल है ये, दिन में ये हाल है। यहाँ पर यार लेट इवनिंग तो आई डोंट थिंक कि यहाँ फायदा आने का बाइक पे, टू व्हीलर पे। एक्चुअली इस बाइक पे मैं ऑफ रोडिंग और जो रफ स्ट्रेच है ना, नॉट एग्जैक्टली हार्ड कोर ऑफ रोडिंग, जो वो रफ स्ट्रेच है जैसे रोड है ये, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रैम्बलर। This is goosebumps. नौ हजार दस हजार फीट के पे enjoying the off-roading. Oh. Yes, fun. तो मैं पहुंच गया हूं बिंसर के लास्ट पॉइंट पे और यहां पर केएमवीएन का ये गेस्ट हाउस है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूं यहां का रेट। काफी ओल्ड प्रॉपर्टी लग रही है लेकिन लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है। ये है कॉन्टेक्ट डिटेल इन केस आपको बुक करना हो तो। और ये रहा टैरिफ। तो ये पार्क कर दिया हमने बाइक और यहां से ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा 2 किलोमीटर का। जबरदस्त जहाँ मैंने स्टे किया था वहां से मैं अभी आया ना। अच्छा, तो कहाँ से स्टे किया? एक गांव है गदोली गांव। अच्छा, अल्मोड़ा से यहाँ से 15 किलोमीटर है, वहाँ से अल्मोड़ा 15 किलोमीटर है। अरे तो हमारे पास से नहीं लिया था, हमने वहीं लिया था। तो वहाँ से आते हुए ऐसे और था कि रास्ते में अच्छा व्यू दिखा, रुक गया मैं। फिर यहाँ से रुकते रहेंगे तो फिर पहुँच नहीं पाएंगे। पहले जो मेन है वो पहले पहुँच देख के आते हैं। हाँ एग्जैक्टली जबरदस्त पूरी जंगल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर ना। मैन व्हाट ए व्यू, awesome, जबरदस्त। खाली जो ग्लेशियर्स है ना ये हमसे नीचे है, मतलब ये हमसे ऊपर है, बाकी सब कुछ नीचे है। सारे निकल चुके हैं आगे, मैं बस अकेला रिकॉर्डिंग के चक्कर में पीछे रह गया हूँ। टाइम 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट और आज मुझे वापस जाना है दिल्ली। आई थिंक हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट।
हाँ यस दिस इज द लास्ट पॉइंट ऊपर चलते हैं ऊपर दिखाते हैं आपको बढ़िया व्यू तक जो है हिल्स हैं वो नीचे हैं काली जो ग्लेशियर्स पॉइंट है जो पीक्स है नंदा देवी पीक्स हो गई नंदा देवी पीक और कौन सी है त्रिशूल पीक हो गई पिंडारी ग्लेशियर इनमें से कौन से हैं मुझे ध्यान नहीं है बट पूरी ऑलमोस्ट यू नो 120 डिग्री पूरा ये स्नोकप माउंटेन्स है मे बी मोर मे बी यू नो 150 डिग्री तक तो इन अमेजिंग डोंट शॉट के साथ में ये व्लॉग जो है यहीं खत्म करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ से चलेंगे हम टूवर्ड्स रानीखेत दिल्ली क्योंकि ना बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा अमेजिंग जगह है ये तो ठीक है यार व्लॉग अच्छा लगे एक लाइक एक कमेंट एक शेयर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम जीरो पॉइंट ऑफ पिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी